नमस्कार मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका टॉप टेन बुलेटिन में आपका स्वागत है आज जो है टॉप टेन जो खबरें चल रही हैं ट्रेंड में उससे आपको रूबरू कराते हैं सलमान खान जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं उनको डेंगू से ग्रस्त हो गए हैं उसी के चलते जो बिग बॉस है उसकी कमान अब करण जौहर संभालेंगे महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली कराने का जो नोटिस है वो प्राप्त हो गया है वहीं पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं है राजधानी दिल्ली में एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक नई ताकत एक नई पावर दे दी है जिसके तहत जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, वो एनएसए लगा सकते हैं और इसके आधार पे गिरफ्तारियां कर सकते हैं जो ये नोटिस आपको बताएं, 19 अक्टूबर 2022 में जो है वो इशू हुआ था और इसकी जो वैधता है वो 18 जनवरी 2023 तक रहेगी कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा पावर दी गई है एल के द्वारा ये एम चुनाव को देखते हुए दी गई है कैसे सोचते हैं आप विचार अपने कमेंट द्वारा साझा करें अगली खबर उत्तर प्रदेश के बैराइस से सामने आ रही है जहां पे एक स्कूल से टॉयलेट सीट चुराने के आरोपी को जनता ने जो है बिजली खंबे से बांध के मारा उसके बाद उसे गंजा कराया मुंह काला किया और आधी मुँच उसकी काट दी गई सोशल मीडिया पे जम के ये वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और जो इस हरकत को अंजाम दे रहे थे उन पे जो है दो लोगों के ऊपर कार्रवाई करी है दिवाली का त्यौहार है और दिवाली के त्यौहार में बम पटाखे जलनी आम बात होती है क्योंकि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है एन्वायरमेंट को भी साफ रखना है इसके चलते सरकार जो है अंकुश लगा रही है कि पटाखे ना जलाए जाएं उसी के चलते दिल्ली की अगर बात करें तो पटाखे चलाना बैन है वहीं जो कई अन्य राज्य हैं उसमें ग्रीन पटाखे चला सकते हैं अगर दिल्ली के अंदर पटाखे आपने चलाए तो आपको छह महीने की जेल और दो सौ रुपए का जुर्माना हो सकता है उत्तर तो प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है बीते पांच साल से जो है ये महोत्सव मनाया जा रहा है लाखों की तादाद में दीप इसमें जलाए जाते हैं और जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखता है इस बार जो है नरेंद्र मोदी वहाँ दिवाली पे शामिल हो रहे हैं साथ ही बहुत ही खासा ध्यान रखने को कहा गया है क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आके इस महोत्सव का लुफ्त उठाने वाले हैं दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में महिलाओं को 50 प्रतिशत जो है वो आरक्षण मिलेगा जो इलेक्शन कमीशन है उसने जारी की है दो सौ की लिस्ट मध्य प्रदेश के रीवा में एक बस हादसा देखने को मिला है जिसके अंदर 35 लोग घायल हुए हैं और 14 की जान चली गई है तमाम लोग अपना कॉन्डोलेंस जो है लोगों को दे रहे हैं सुकेश केस में आज जैकलिन फर्नांडिस जो हैं उनकी डेट है जो याचिका है उनकी उस पर सुनवाई होगी दिल्ली न्यायालय में उत्तर प्रदेश के मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में बी की एक छात्रा ने कॉलेज की छत से चढ़कर छलांग लगा ली है बताया जा रहा है कि ये एक छेड़छाड़ का मामला है उसी के साथ पढ़ने वाला एक सिद्धांत कुमार पवार नाम का जो युवक है उसने कुछ छेड़छाड़ करी जिसपे जो मुस्लिम युवती है उसने इस पर आपत्ति जताई उसके बाद पवार ने उस युवती के थप्पड़ मार दिया इससे आहत होकर युवती जो है वो छत पे गई और वहाँ से कॉलेज की बिल्डिंग से उसने छलांग लगा दी युवती की हालत गंभीर है और पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है तो तमाम जो आपको अपडेट दी गई है अपनी राय जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट द्वारा जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर लें अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे नमस्कार सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ